दीपक ठाकुर को हाल ही में एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला। दीपक को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। आप लोगों को बता दें कि दीपक इस अवार्ड सेरेमनी में काफी ज्यादा खुश नजर आए। भाई खुश हो भी क्यों ना, एक तो इतना बड़ा अवार्ड, ऊपर से दीपक ने कई सारे सेलिब्रिटी से मुलाकात की। मुलाकात ही नहीं, दीपक ने सभी के साथ सेल्फी भी ली, फिर चाहे वो मौनी रॉय हो या फिर गुरु रंधावा। आपको बता दें कि दीपक ठाकुर इस अवार्ड सेरेमनी में लाइव भी आए। दीपक की एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं अवार्ड लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दीपक ने ये भी बताया कि उन्होंने सोमी खान के साथ अपनी एल्बम को कंप्लीट कर लिया है और अब वो सोमी के साथ दूसरी एल्बम में नजर आएंगे, जिसमें गाना भी उनका होगा, आवाज भी उन्हीं की होगी। साथ ही साथ दीपक ठाकुर ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड अपने हाथों में थामते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी तस्वीर अपलोड भी की और अपने फैंस के लिए लिखा बेहद ही प्यारा सा मैसेज। दीपक ने लिखा कि ये जो कुछ भी है सब आपकी वजह से ही है, आपके प्यार की वजह से ही ये हो पा रहा है, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। इसके बाद दीपक ने कहा कि दिन खास था और हमने भी पूरी कोशिश की स्मार्ट दिखने की। वो क्या है ना, सितारों की टोली थी और नजरों के सामने कॉम्पिटिशन तगड़ा था। दीपक ने लिखा हम भी फेस वॉश मार कर गए थे अवार्ड लेने। ये लिखते हुए दीपक ने अपने सभी फैंस को, अपने सभी सपोर्टर्स को बड़े ही अनोखे अंदाज में थैंक यू कहा। फाइनल कार्ड एंटरटेनमेंट डेस्क। मनोरंजन से लेकर राजनीति तक, अजब गजब से लेकर ऐतिहासिक तक, हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें